स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में स्टूडेंट्स हमने ये पहला टॉपिक का पहला स्टेप सीखा था। ओके, तो आज हम ये टॉपिक पूरा करेंगे, ये सेकेंड वाला स्टेप और थर्ड वाला स्टेप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए क्या होगा। फर्स्ट स्टेप इस तरह से हमने सीखा था। ओके बच्चों, तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको परफेक्टली आता है तो सेकंड और थर्ड स्टेप बहुत ही इजी है। ओके बच्चों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इसका परफेक्टली शेप कैसे ड्रॉ करना है वो दिया है। ओके, अगर ये शेप आपको जैसा कव रहता है वैसा ही आपको ड्रॉ करने में आ जाए तो अगले स्टेप्स कोई बात नहीं। ओके बच्चों, तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर गए बच्चों। ओके, बट यहाँ पर क्या क्या ऐड किया गया है देखिए, इसकी पूछ, ओके, इसके सिंग, देखिए यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर डबल किया है। ओके, तो यहाँ पर इसके कान और थोड़े डिटेल से बनाए गए हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लेके फिर से नीचे आया है बच्चों, यहाँ पर एक लाइन है। ओके, ये भी और थोड़ा सा डिटेल में बनाया गया है। ओके, यहाँ पर पैरों के ऊपर उसके जो नाखून होते हैं वो दिखाने के लिए यहाँ पर लाइन्स दिए गए हैं। ओके, बट यहाँ पर लाइन्स नहीं है, बस इतना ही आपको करना है। ओके, तो आपको समझने के लिए मैं दूसरे कलर चॉक से यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या क्या ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है। फर्स्ट इसका कान, फर्स्ट इसका कान, ठीक है। अब इसका मुंह है, थोड़ा सा देखिए बच्चों, यहाँ से थोड़े से लाइन अंदर लाइट से बाहर देखिए बच्चों, देखिए थोड़ा सा अंदर फिर से बाहर, यहाँ से और थोड़ा अंदर देखिए, यहाँ देखिए। ठीक है बच्चों, ओके, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, उसके बाद इसके नाखून, ओके, उसके बाद यहाँ से है, यहाँ के बाद यहाँ। ओके, ठीक है बच्चों, ये देखें यहाँ पर इतना है, उसके बाद यहाँ है आपको लाइन निकालनी और इसके बाद ये देखिए हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है बच्चों, जो थर्ड स्टेप में जो शेप्स हैं, ओके, वो परफेक्टली आने के लिए हमने ये सेकंड स्टेप में जो जो ऐड किया है वो यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो लाइन है हमें यूज कर देते हैं, ओके, इस तरह से, उसके बाद ठीक है देखिए हमने किस तरह से करना है, ठीक है,
इसको मैं यहाँ से ठीक है बच्चों, ठीक है हमें इरेज कर देना है, यहाँ से अंदर बाहर इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से निकल रहा है। इस तरफ ओके बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी लाइन ओके, अब इसके आर्क ठीक है बच्चों, देखिए इस तरह से हमारा थर्ड और स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए ग्रास है, देखिए बच्चों इस तरह से ओके, यहाँ पर शेडिंग किया है ड्रॉ किया जाता है ओके बच्चों। तो ये होने के बाद आपको फर्स्ट इसे एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में एक बार प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करना है, देन आपको कलर करना है। कलर देखिए यहाँ पर आपको ब्राउन कलर, सिर्फ ब्राउन कलर आपको यूज़ करना है, इसकी आँख और इसके गले में लीजिए बच्चों एक बेल है इस तरह से ओके बच्चों। ये बेल्ट को आपको येलो कलर देना है और जो बेल्ट का बेल्ट है उसको ब्लैक कलर देना है ओके, इसके आपको आपको ब्लैक कलर देना है और कान का जो अंदर का हिस्सा है ये वाला इसको आपको पिंक कलर देना है, ये वाला जो हिस्सा है आपको वहाँ पर भी पिंक करना है। और देखिए ब्राउन कलर से यहाँ पर शेडिंग किया है, यह थोड़ा डार्क है, ये वाला जो हिस्सा वो डार्क है, इसके ऊपर इस तरह से आपको पेंसिल से मार्क करना है ओके, याद रखना और याद रखना ओके। ये आपको व्हाइट ही छोड़ना है, वहाँ पर कलर नहीं देना है कुछ ओके। नीचे का हिस्सा यहाँ पर ब्लैक कलर देना है और बचा हुआ हिस्सा जो है वहाँ पर आपको ब्राउन कलर देना है। जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ फर्स्ट आपको डार्क करना है, देन जहाँ पर लाइट कलर है वहाँ पर आपको लाइट कलर देना है कुछ ओके। ये होने के बाद ब्लैक कलर से आपको इसकी जो बॉर्डर है ये वाली आपकी बॉर्डर लाइन वाली बच्चों आपको बॉर्डर करना है ओके। एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में होने के बाद आपको ये वाली बुक में जिस तरह से मैंने बस स्टेप सिखाया था उसी तरह आपको ठीक यहाँ पर बहुत बड़ा भी नहीं करना है बहुत छोटा भी नहीं, ये जितना है उतना ही ठीक इसके नीचे यहाँ पर, ये इसके नीचे यहाँ पर और इसके नीचे यहाँ पर ओके। फर्स्ट आपको ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है बच्चों वो यहाँ यहाँ और यहाँ थ्री टाइम निकालना है ओके। फर्स्ट स्टेप आपको
थ्री टाइम निकालना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो यहाँ होता है, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें आपको ये सेकंड वाले स्टेप में जो जो दिया है वो ऐड करना है। कैसे ऐड करना है मैंने यहाँ पर अभी दिखाया है। ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप आता है, तो फिर से अपने यहाँ पर जो जो ऐड किया है वहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद सेकंड वाले स्टेप में भी जिस तरह से मैंने यहाँ पर डिटेलिंग किया है उसी तरह आपको यहाँ पर भी डिटेलिंग करना है, और उसके बाद आपको वो कलर करना है। ओके बच्चों, ये पूरा होने के बाद इसका एक अच्छा सा फोटो निकाल कर आपको ग्रुप में भेज देना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यह हमारा पहला टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। ओके बच्चों, चलो तो अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।